वेलकम टू अवर चैनल एंड वेरी वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस फॉर योर सॉन्ग अगेन. थैंक यू. से आप एक साथ कादिर की जोड़ी दिख रही है. थैंक यू. सो अपनी फ्रेंडशिप के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या बताओगे? देख ही रहे हो कैसे पागल की तरह बैठे हैं. हम एक दूसरे को झेल लेते हैं बेसिकली. या आराम से वी आर फन टुगेदर. हमेशा मस्ती करते हैं, बोर नहीं होते. हमारा चलता रहता है कुछ ना कुछ. हां, सो सॉन्ग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? इस बार क्या कुछ अलग दिखने वाला है इस सॉन्ग? बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स दिखेंगे क्योंकि अब जो इसके पहले जो हमारा गाना आया था दिल को मेरे, उसमें सैड मोमेंट्स बहुत थे और देखते वक्त भी हमें भी ऐसा लग रहा था कि हाय बेचारे दोनों. तो मुझे बहुत रुलाया था. बहुत रुलाया था. तो इस बार हैप्पी वाले मोमेंट्स हैं. इस बार हम दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ. क्यूट लव स्टोरी है फर्स्ट साइट वाली. सो इट्स लाइक आउटडोर हमने बहुत किया है. धूप में हम लोग बहुत जले हैं. एंड गोवा ऑफ कोर्स, गोवा इज अगेन अ फन लोकेशन. इट इज, यस. तो I mean already output आ गया है, बाहर आ चुका है वो गाना, 11 बजे रिलीज हो गया है. तो लोगों ने ऑलरेडी प्यार करना चालू कर दिया है. जिस तरह से लोगों के फीडबैक हैं, थोड़ा और कॉन्फिडेंस हमारा कादिल पे बढ़ गया है. है ऑलरेडी, बिकॉज दे ऑलवेज लव दिस. जब भी हम दोनों की जोड़ी साथ में आती है तो देर इज सम स्पेशल फोकस लोगों का कि ये दोनों साथ में वापस से आ रहे हैं. पता नहीं ऐसा क्या लगता है लोगों को जब हमें साथ में देखते हैं तो उन्हें अच्छा लगता है. तो अगर उन्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छी ही बात है. हम लोगों ने डांस करना शुरू किया था साथ में. यूट्यूब पे हमने कुछ वीडियोस बनाए थे, उसी से ऑलरेडी प्यार मिलना शुरू हो गया था. और उसके बाद एक गाना आया, फिर अब दूसरा आया. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट मेनी सॉन्ग्स विद हिम. सो आप दोनों से जानना चाहूंगे कि आप दोनों एक दूसरे से पहली बार कहां मिले और कैसे मिले? डांस क्लास में हम दोनों मिले थे पहली बार. आई थिंक नो डांस क्लास था या फिर फिटनेस वाला डांस क्लास था. डांस फिटनेस वाला डांस क्लास था. वहाँ पर हम लोग मिले थे. अच्छा, एक दूसरे के बारे में क्या कुछ सोचा आपने या फिर कैसे फ्रेंडशिप हुई आपको? आई थिंक डांस क्लास में मैं इसी इंटेंशन से गई थी क्योंकि मैंने इनके कुछ वीडियोस देखे थे और मुझे बस बॉलीवुड डांसिंग करनी थी. और मैंने उनके वीडियोज देखे थे एंड आई वॉज लाइक मुझे इन्हीं से सीखना है. सो मैं तो उसी बायस के साथ गई थी डांस सीखने और मुझे बहुत अच्छा लगा था डांस क्लास उनके साथ करके. वो बहुत उनके क्लास में बहुत अलग एनर्जी होती है. बहुत सब खुश होते हैं, दिल से नाचते हैं. सो मुझे बहुत अच्छा लगा था उनके साथ डांस सीख कर. आप क्या बताना चाहेंगे? अरे तो बालिका वधू वाली है. बट ऑफ कोर्स देन देन वी स्टार्टेड टॉकिंग. हम वीडियोस वगैरह बनाने लग गए एंड वही बातें करते करते दोस्त अच्छे बन गए. फिर हम अच्छे से वीडियोस बनाने लग गए, कवर्स बनाए, वायरल हुए, लोगों को पसंद आया, हैशटैग आ गया, गाने आने लग गए, एक और गाना आ गया. काफ़ी चीज़ें मे बी फ्यूचर में आ जाए साथ में. बट वेरी ग्लैड, हैप्पी ऑलवेज नेक्स्ट टू आर. जैसे आपने बोला कि ये तो बालिका वधू वाली है, ऐसे सबको अविका को पहचान किसी तरह से मिली है और सब ऐसे ही जानते हैं और बोलते भी हैं. तो आप कितना बालिका वधू फॉलो करते थे? यार मम्मी की वजह से मैंने क्या, आपने सबने फॉलो किया है. बैठे हुए 8 बजे शाम को जब बैठे हो आपको देख, तभी तो यार एक ही टीवी है घर में, अब देखना पड़ रहा है. वो मम्मी के सीरियल्स चल रहे हैं, खाना है तो सीरियल चलना पड़ेगा. वो बना रही है, वो तो देख रही है. उनके साथ में देख के फिर एक टाइम के बाद इंटरेस्ट आ जाता है. तो वो दादी सा और ये हो रहा है, भाषा सब देखने लग गए थे. तो या समवेयर आई हैव सीन इट क्वाइट अ लॉट ऑफ सीजन, अ लॉट ऑफ स्टोरी. सो तब से आई ऑल्सो टर्न इन टू हर फैन. मेरी फैमिली तो है ही, मैं भी फैन हो गया था काफी. एज आई नो एंटायर नेशन वॉज दैट टाइम हर फैन, बिकॉज जब भी वो शो भी आया था तभी भी लड़कियों का, अभी भी छोटी छोटी जगहों पे है लेकिन तब लड़कियों के साथ कितना ज्यादा था, यू नो दैट्स व्हाई वो हाइप पे था. इसलिए बालिका वधू का सीरियल बना, बिकॉज वो बाल विवाह उनको रोकना था. सो आई वॉज हर फैन एंड आई एम हर फैन. अविका की एक्टिंग के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? अरे मैं क्या बोलूं, अविका की एक्टिंग कैमरे पे बोलती है. बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही आई थिंक समवेयर बालिका वधू करके इतना रेगुलरली कैमरा फेस करके शी हैज बिकम सो शार्प दैट शी नोज एग्जैक्टली वेयर टू मूव व्हाट एक्सप्रेशन ऑफ हर फेस, इवन टू आईब्रो, इवन टू स्माइल. इवन राइट नाउ शी इज गिविंग अ परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ बीइंग वेरी यू नो हैप्पी. सो म्यूजिक एल्बम सॉन्ग में जिस तरह से अविका दिख रहे हैं बहुत ही गॉर्जियस दिख रहे हैं. आप जानना चाहेंगे डांसिंग के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे?
डांस मूव. सो इस गाने में टेक्निकली डांस नहीं होने वाला था, ये मैं एक इनसाइट देना चाहूंगा. सो ये टेक्निकली हमारी डायरेक्टर साहब प्रोड्यूसर साहब रात को आए 3 बजे, 5 बजे हमें उठना था और उनको लगा कि आदिल इसमें ना कुछ डांस होना चाहिए. और मैं और मेरी फ्रेंड कृतिका हम दोनों एक दूसरे को देखते हैं, अविका को देखते हैं, लेकिन डांस होना चाहिए, हमें तो 5 बजे उठना है, डांस कैसे करेंगे. उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ तो डांस होना चाहिए, आज के टाइम पे डांस वांस हो रहा है ये वो. फिर सब लोग तो चले गए सो गए, तो हमने वो एक से दो घंटे के अंदर अंदर बिना सोए हमने वो हुक स्टेप रेडी किया, तब जाके हमने वो डांस शूट करा. एंड जब हम डांस भी सीक्वेंस शूट कर रहे थे, गोवा में इतनी जोर से बारिश हुई, हमारा इवनिंग का सारा सेट खराब हो गया, बिकॉज सनसेट वाला शूट था वो, उसमें हमें शॉट लेना था, पीछे से सन आते हुए एंड सेटअप लगा हुआ है, तूफानी बारिश, सारा सेटअप टूट गया. बट टच वुड इट टर्न वेल, बिकॉज देन वो रात को और प्रीटी लगा, हमने मिड नाइट शूट लिया एंड जो कुर्मा वाला स्टेप हमने करा है रात में ना, वो और ज्यादा निखर के आया. Yes, I agree. जिस तरह का ये सॉन्ग का टाइटल है कुर्बान, तो आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए क्या कुछ कुर्बान करना चाहेंगे जो आप लोग दोनों को पसंद आती है. मैं नहीं कर रही इसके लिए कुछ कुर्बान. क्यों करूं मैं, भल हल्लो तू कर, तेरे को क्या कुर्बान करेगा तू, लिस्ट बता, चल बता, हम भेजते हैं आपको लिस्ट. आपको भेज देंगे. एंड लास्टली क्या कुछ ऑडियंस और फैंस को मैसेज देना चाहोगे आप लोग. प्लीज कीप लविंग अस, कीप लविंग कादिल, कुर्बान को देखते रहिए, कुर्बान आ चुका है, प्लीज गाने को प्यार करते रहिए. और अपना वो हमारा जो वो हुक स्टेप है वो प्लीज रील्स बनाइए, मैं कुर्बान उस पे ऑफ कोर्स. हम लोग सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं एंड हम जो बेस्ट रील्स होंगे हम उनको रिपोस्ट भी कर रहे हैं. सो गो मेक योर डांस वीडियोस, लिप सिंक, जो भी आपका मन करे. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू.